नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए भी विशेष है क्योंकि महागामा की चुनावी यात्रा के दौरान आज महागठबंधन की प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में राहुल गांधी की रैली है और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको राम सुंदर राम उच्च विद्यालय बलबड्डा में अभी हम हैं इस वक्त। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुरगंगटी प्रखंड से एक नेताजी मौजूद हैं। चलिए आपको नेताजी कहते हैं, आप पूर्व झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम शंकर पदार है। अच्छा, ये बताइए ठाकुरगंगटी प्रखंड को लेकर जो है कहा जाता है कि ठाकुरगंगटी प्रखंड जिसको वोट दे दे दिल खोल के वो रांची पहुंच जाता है विधानसभा में, क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। और इस बार हम लोग पूरा ठाकुरगंगटी का मूड बन चुका है, दीपिका सिंह पांडे को ही वोट अगली बार हम लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हमारा ठाकुरगंगटी प्रखंड का सारा चीज उठा कर अशोक भगत ने हम लोगों का वहाँ से उठा करके अपना महागामा में उन्होंने लगा लिया है। बाकी बात अनुमंडल बनने का जहाँ तक का बात है उसमें उन्होंने घटोला किया हमारे साथ में, जो कि रामेश्वर स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर का वो धरती है, उस धरती ने उन्होंने सपना था उनका कि मैं हॉस्पिटल और अनुमंडल बनाने का उनका अपना सपना को इन्होंने चकनाचूर किया अशोक भगत ने, जो आज हमारा बन नहीं पाया, जो उठा करके उन्होंने महागामा की ओर खींच करके महागामा में स्थापित किया। ये सबसे बड़ा उन्होंने हम लोगों के साथ में दिल पर वो दाल धरने का काम किया अशोक भगत ने जी। अच्छा एक बार बताइए, महागामा विधानसभा हो या फिर पूरे झारखंड में आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के बैनर में लिखा हुआ है आ रही है कांग्रेस, यहाँ पे राहुल गांधी की चुनावी रैली है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है किसानों का कर्ज माफ होगा, हर आदिवासी की आवाज बुलंद होगी, अहंकार सरकार का टूटेगा और हर महिला का सम्मान होगा, ये कुछ बातें लिखी हुई है। तो अभी आप जो है झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, अपने समय में जब आप राजनीति को देखते थे और आज जिस महागठबंधन की राजनीति की बात हो रही है, कितना अंतर देखते हैं दोनों में? अभी अंतर हम लोगों की जब यहाँ सरकार थी यहाँ का जनता यहाँ का सुखी सम्पन्न और अमन चैन था। अभी अभी उनका एक मैनोफेस्टो में आया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अभी यहाँ पर 108 110 हर दिन यहाँ पर बलात्कारी हो रहा है, चरम सीमा पर उनका जो है ना जो कहता है वो करता नहीं, दूसरा उल्टा काम करता है, उन्होंने उस पर कोई शिकंजा कसने का काम नहीं किया है आज तक में, कानून चरमरा गया हमारा ये झारखंड का उसके आने पर, खास कर ये रघुवर सरकार जब से आया है इन्होंने और हमारे पूरे झारखंड को ले डुबा है। ठाकुरगंगटी प्रखंड का और कोई है? बहुत आदमी है। आप किस प्रखंड? प्रखंड का आदमी है। आइए इधर आइए, जरा इनसे पहले पूछ लेते हैं कौन से प्रखंड से हैं सर? महागामा प्रखंड से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। तो यहाँ जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे रहिएगा ना, तो कैमरा आने दीजिए, इधर आ जाइएगा तो दिखेगा। एक बात बताइए, ये आप लोग जो है दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में आज बलबड्डा आए हैं? हम लोग दीपिका पांडे जी के समर्थन में आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम वोट देंगे और जो हम झारखंड की तरफ विकास करेंगे। क्या क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पे आप लोग को लगता है कि दीपिका पांडे इज बेटर देन अशोक भगत, वो अशोक भगत से अच्छी है, किन मुद्दों पे लग रहा है? वो जो है हर मामले में, वो जब भी कुछ होता है किसान के साथ गरीब के साथ, वो हर मामले में आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और सबके लिए आवाज़ उठाती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या गैर हो, हर एक के लिए आवाज़ उठाती है, इसलिए हम उसका समर्थन करने आए। अभी जो NRC बिल पास हो गया, लग रहा है झारखंड के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा उसका? हाँ उसका तो असर पड़ेगा, इसलिए कि इसमें तो हम इस बारे में नहीं बोलेंगे कि वो कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन इतना जानते हैं कि हम लोगों के लिए सही नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे, बात कर रहे थे कि ओवैसी आ जाएंगे तो कांग्रेस का कुछ वोट ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो तो हम लोग अभी नहीं बता सकेंगे, ये तो वक्त क्या रहा है आपको अनुमान क्या? हम लोग तो अनुमान की ना बात कर सकते हैं, जो होगा वो तो 23 को पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो लगता है कि कुछ ना कुछ वोट जा भी सकता है, इसलिए कि उनके फेवर में भी कुछ लोग हैं तो वैसे आ रहे हैं। हाँ वैसे आ रहे हैं। कितने तारीख को आप लोग को कुछ अपने नेता का तो पता है, लेकिन दूसरे के नेताओं को भी पता रखते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम जो है ना सबके साथ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी नेता आएंगे उसका हम स्वागत करते हैं, चाहे हमारे इलाके में आए, चाहे ठाकुरगंगटी के इलाके में आए, कहीं भी आए। कहाँ आ रहे हैं वो? वो हमारे नया नगर क्षेत्र में आ रहे हैं। नया नगर वहाँ जी
मागामा में, मागामा में। अच्छा, मागामा प्रखंड से आप हैं। एक बात हमें बताइए, ये जो तीनों प्रखंड हैं, क्या ये तीनों प्रखंड महत्वपूर्ण है या फिर ठाकुरगंगटी का वोटर जो है, लोग बार बार कह रहे हैं कि ठाकुरगंगटी जिधर वोट देता है वो निकल जाता है। मागामा में कुछ लोग कह रहे थे अभी कि मागामा का वोट जो है वो सभी को मिलता है, सेपरेट टाइप का होता है। अभी कुछ लोगों से हम जब बातचीत कर रहे थे, आपका क्या अनुमान है? मेरा अनुमान यही है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो तकरीबन हर जगह हमारे दीपिका पांडे जी के शीश आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनको इस बार कामयाब बनाएंगे, चाहे वो महागामा क्षेत्र हो या ठाकुरगंगटी हो या और भी इलाके हो, तो हर तरह से हम उनके साथ हैं। तो रात दिन आप लोग किए हुए हैं? नहीं, रात दिन हम लोग तो नहीं करते हैं, बस इतना है कि हर तरह से हम लोग जो भी कुछ होता है सपोर्ट करते हैं। इनसे पूछते हैं जरा, इनको इधर आइए जरा सर, यहाँ आइए। क्या नाम हुआ आपका? निसार कैफी। निसार जी, अच्छा निसार जी, ये बताइए किन मुद्दों पे आप युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ किया है सरकार ने? हमारे समझ से तो कुछ नहीं लग रहा है उन्होंने कुछ किया है अभी तक, हमें कुछ दिखाई नहीं। किस प्रखंड से आप ताल्लुकात रखते हैं? प्रखंड महागामा। महागामा प्रखंड के जो गाँव है, गाँवों तक विकास पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? नहीं पहुंचा है। क्या मागामा क्या समस्याएं नजर आ रही है अभी? सड़क उड़क भी बहुत, नाला वगैरह ये सब बहुत यानी कि सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसके वजह से पानी और किसान भी यानी कि परेशान है। अभी वहाँ पर मारा गया है परसा सब बस्ती में, जिसमें लोग परेशान है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। इधर आइए जरा, युवा हैं, युवाओं को जरा हम देखें। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक नेटवर्क। वी आर इन राइट नाउ बलबड्डा, बलबड्डा के राम सुंदर राम उच्च विद्यालय में है और यहाँ पे राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता की रैली है और दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। इस बार मैं आपको बता दूं, सभी को पता है जिस तरीके से झारखंड में महागठबंधन में बाबूलाल मरांडी की पार्टी नहीं है और भाजपा के साथ जो आजसू का गठबंधन था वो भी चुनाव से पहले जो है वो टूट गया। अब उससे क्या नफा नुकसान होगा वो तो पार्टियां जानेंगी, 23 तारीख को फैसला होगा। लेकिन यहाँ जो लोग आए हुए हैं बलबड्डा में, आज 12 तारीख को राहुल गांधी के भाषण को भी सुनने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रघुवर सरकार के खिलाफ आए हैं। तो हर तरह के यहाँ पे झंडे भी दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झामुमो का भी झंडा दिख रहा है, राजद का भी झंडा दिख रहा है और कांग्रेस का भी झंडा दिख रहा है। पार्टियां जो है एक दूसरे को साथ महागठबंधन में चिपक कर चुनाव लड़ रही है। इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ सर और क्या कहेंगे, क्या मुद्दा आपको, कौन से गाँव से ताल्लुकात रखते हैं, कौन सा प्रखंड है? मेरा नाम निगम कुमार हुआ, महागामा प्रखंड से ताल्लुकात रखता हूँ। हम रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। झारखंड सरकार ने इस बार रोजगार, झारखंड में मतलब रोजगारी का बहुत दर घटा दिया है, मतलब बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे इस बार। और युवाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रही है, करिए सरकार के, हमने वी हैव डन टू मच फॉर द यूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ के युवाओं के लिए हमने बहुत काम किया, सरकार कर रही है ऐसा, क्या लगता है आपको कि क्या क्या नहीं किया है सरकार ने? जैसे हम लोग, जैसे अब इस बार प्लस टू के बाहर जो हुआ उसमें अधिकतर बाहरी लोगों को ही जॉब दिया गया है। अच्छा, और स्थानीय नीति लागू होने के बाद भी मतलब झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। बस नीति स्थानीय है लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को जो है ये नौकरी दी जा रही है। इनसे पूछते हैं, आइए जरा इधर, इधर आइए, कुछ आदमी इधर आइए, आप लोग इधर आइए जरा, ये इनसे पूछते हैं कहाँ गाँव हुआ, कौन सा प्रखंड है? मागामा प्रखंड है। मागामा, क्या मुद्दा है जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी के समर्थन में? राहुल गांधी जी मागामा विधानसभा को लेकर जो है चुनावी प्रचार में आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा आंकड़ा है कि दीपिका पांडे को हम लोग घोषित करेंगे, बताएंगे किन मुद्दों पे, विधायक। इनसे पूछते हैं, आइए जरा आप लोग, खाली फिल्म देखते हैं, अरे आके बोलिए कम से कम अपना, कौन सा गांव है, कौन सा प्रखंड है? मागामा प्रखंड। मेहरमा? मागामा। मागामा तो आ रही है, कांग्रेस लिखा हुआ है,
पोस्टर पे, और कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने के लिए, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग किन मुद्दों पे आपने समर्थन जिताएंगे? और कोई काम नहीं किया है। अच्छा, इसको जिताना है दीपिका पांडे का बात। क्यों? बढ़िया नेता भाई, बढ़िया नेता। गाँव में हर गाँव घूमता है बराबर, हर गाँव घूम रही है। आपके गांव में कितनी बार गई? पांचों मरतबा गया है, और बीजेपी कभी नहीं गया है। तो ये लगातार यहाँ पे लोग इनसे पूछते हैं, बुलाइए, आए बाबा इधर, जरा आप इधर आइए। सर क्या नाम हुआ? सर मृत्युंजय प्रसाद सिंह। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जामुमो से। अच्छा, ये महागठबंधन की रैली है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? किस तरीके का माहौल दिख रहा है आपको अभी झारखंड में? ये माहौल, ये माहौल बदलाव का माहौल है। अच्छा, ये झारखंड बदलाव की ओर है, यहाँ जनता बदलाव चाहती है। पिछले सरकार चूंकि किसान विरोधी सरकार रही है, झूठों का पुलंदा रहा है हमेशा, झूठों का इतना झूठों का अंबार लगा दिया है जो कि अभी कहने के लायक नहीं है। यहाँ किसानों का के लिए न तो वो फसल बीमा आज तक दे सका, 18-16 से आज तक फसल नहीं, किसी ना MLA ना MP ने इस आवाज को उठाया किसानों के लिए। किसानों के लिए उन्होंने कहा मैं पोखर और सड़क बना दिया, ये पोखर सड़क नहीं बना दिया बल्कि MLA के चुनाव लड़ने के लिए फंड जमा किया। और जो किसानों के लिए जैसा चाहिए, किसानों का मुद्दा है, खजानों में देख लीजिए आज सुखाड़ घोषित किया है, लेकिन सुखाड़ को कुछ मिलने वाला नहीं है। चुनाव के पूर्व बोला कि सुखाड़ 18 का सुखाड़ का हम राहत देंगे, लेकिन आज तक अभी कहीं कोई उसका का चर्चा नहीं है। यहाँ किसानों के लिए कोई देखरेख नहीं है इस सरकार। और पिछली सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार ने 14 महीने की सरकार थी हेमंत सोरेन जी के, ने उन्होंने गरीबों के लिए आज जो 1 रुपया चावल जो मिला है, मेरे शिबू सोरेन जी 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, पहला काम उन्होंने गरीबों के लिए 1 रुपया चावल का दाम लगाया। और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों के लिए धोती साड़ी का दिया, 60 वर्ष की उम्र वाले के लिए बिना APL BPL के लिए, कोई उसमें APL BPL नहीं, 60 वर्ष बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन देने का काम किया। ये हमारी हेमंत सोरेन की सरकार है कि दे नहीं, लेकिन इस सरकार में सिर्फ घोषणा ही होती है, झूठों का पुलंदा है। तो आपको लग रहा है कि जो है कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से निकल जाएंगे, जीत जाएंगे? ये एकदम हमेशा ये विधि है, यहाँ की जनता की आवाज है कि इस बार बदलाव में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।